सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं 3D ड्राइंग। ये सेकंड टाइप का हम हार्ट बनाने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने एक दो तीन टाइप के हार्ट बनाए हैं, आप वो वीडियो जाके देखिए। सबसे पहले हमें 12 बाय 12 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है लाइक दिस। उसके बाद 2-2 सेंटीमीटर के पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं लाइक दिस, एंड इन्हें हमें ज्वाइन करना है और लाइन ड्रॉ करना है। ओके, काफ़ी आसान है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी 2-2 पॉइंट्स मार्क करना है 2 सेंटीमीटर पे, एंड इसे भी ज्वाइन करना है। कहने का मतलब ये है कि हमें स्क्वायर के अंदर और एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी स्क्वायर का मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, प्लस ड्रॉ करके। आफ्टर दैट हमें स्क्वायर के कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है, ठीक है, एंड 3 सेंटीमीटर पे छोटे वाले स्क्वायर में एक पॉइंट मार्क करना है। अभी हार्ट ड्रॉ करेंगे, सबसे इजी टेक्निक है इस तरीके से। अभी आप सिर्फ कर्व लाइन ड्रॉ करनी है आपको, एंड नीचे बस ज्वाइन करना है, ठीक है, लाइक दिस। अब सिमिलरली हम बड़ा हार्ट भी ड्रॉ कर लेंगे बड़े स्क्वायर का, सेम टेक्निक है, लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, एंड कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। गाइस जिनको हार्ट ड्रॉ करना आता है आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, ये लोग उनके लिए हैं जिन्हें हार्ट ड्रॉ करना नहीं आता है और वो प्रॉपर 3D व्यू सीखना चाहते हैं। ओके, चलिए तो अनवांटेड लाइंस हम डिलीट कर देते हैं। चलिए कंप्लीट डिलीट किया है, और एक सेंटर, एक जो लाइन है हमने वैसे रखी है, उसका रेफरेंस लेके हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से। ओके, अनादर पैरेलल लाइन उसी से वहाँ, हाँ यहाँ ड्रॉ करनी है। ओके, अब नीचे ड्रॉ कर लेंगे राइट, एंड यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा 3D ड्राइंग कंप्लीट। अभी उसको हाईलाइट करेंगे, स्ट्रिप्स ड्रॉ करना है आपको, सेम डिस्टेंस पे आपको ड्रॉ करना है। चाहो तो 3-3 mm का डिस्टेंस छोड़ के आप ड्रॉ कर लो। ओके, एंड जो लाइन हमने ड्रॉ की है उससे ही रेफर करके हमने नीचे वाली लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से। ओके, अब स्केचिंग वर्क है। लाइट शेडिंग के लिए हमने 2B का पेंसिल यूज़ करना है, एंड डार्क शेडिंग के लिए हमें 6B का यूज़ करना है। 3B 4B भी यूज़ कर सकते हो, एंड 6B एक्स्ट्रा डार्क के लिए। ओके, आपको स्केचिंग वर्क सीखना है तो हम वीडियो बना देंगे उसके लिए भी, ठीक है, आप इसे प्रॉपर तरीके से स्केचिंग कर लेना। ओके, फाइनल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी देखिए ये 3D व्यू ऐसा दिखेगा। ओके, कैमरा को टर्न करने के बाद अब हम सीखेंगे एंगल कैसे सेट करना है। देखो ये है हमारा सिंपल 2D व्यू। हमने इस तरीके से यहाँ पे कैमरा डाइवर्ट किया, लेकिन हमें 3D व्यू नहीं दिखा, लेकिन हमने जैसे ही एंगल इस तरीके से चेंज किया तो हमें 3D व्यू दिखा। तो इसी के कहते हैं 3D एनमॉर्फिक व्यू या फिर 3D एनमॉर्फिक इल्यूजन। गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।